हेलो फ्रेंड, कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। और नेक्स्ट डे है और आज मैं अभी सुबह से ही शुरुआत कर रही हूँ। देख सकते हैं ये स्कूल ड्रेस में आ चुकी है और यहाँ पे ढेर सारा सामान राशन का आया है जो इधर रखा हुआ है। और सब मम्मी का ये चाय के साथ है चलने वाला। मैरी गॉड है तो क्या है, खाई थी मैं। देखो ये ओट्स है, देख सकते हैं। और मैं थोड़ा सा खाने की कोशिश की, दूध में बनाया तो फिर भी मुझे नहीं अच्छा लगा। वो वाला खाए थे नॉर्मल ओट्स, दूध तो और अच्छा नहीं लगता है, तो मुझको एकदम बेकार सा लगा, मैं नहीं खाई। और यहाँ पे राशन का सामान है जो मैं सेट करूंगी। किसी किसी को अच्छा लगता है, आप ऑफेंड मत बोलना। ये तो खिचड़ी भी नहीं होती, खाओ कैसे, एकदम बेकार सी लगती है। मुझे भी नहीं अच्छा लगता है। ये तो थोड़ा सा एक या दो चम्मच चल भी सकता है, वो जो दूध में बनता है। तो दूध में मैं थोड़ा सा वो बनाया था, बोले दूध में काफ़ी अच्छा लगेगा, तो बोले ठीक है देखते हैं थोड़ा सा खा के। तो मैं खाई तो बिल्कुल बेकार लगा, बिल्कुल बेकार लगा, मैं नहीं खाई। और देख सकते हैं ये आधा गिलास भी दूध नहीं पी रही थी, ज़बरदस्ती इसको आधा गिलास दूध दिए हैं। इतना मुझे बहुत सारा खाना खिला दिया। आ गई हूँ किचन में और देख सकते हैं मेरा गर्म पानी हो चुका है और अब इस गिलास में लूँगी और अब बंद कर दी हूँ क्योंकि हल्का गुनगुना होना चाहिए, तो ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो गर्म पानी हो गया है, अब मैं गर्म पानी ले लेती हूँ और तब तक बुलबुल चली जाएगी स्कूल और फिर मैं अकेली हो जाऊँगी। तो फिर क्या क्या करती हूँ वो आप लोगों को दिखाऊंगी ज़रूर और कोशिश करूंगी, पर मैं भूल ही जाती हूँ, कुछ लोग आ जाते हैं, थोड़ा सा काम भी हो जाता है, तो इसी वजह से मैं दिखा नहीं पाती। और कुछ बाहर का नज़ारा भी ले लीजिए और सूरज भगवान से भी आप लोग देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं अभी सुबह का, बड़ा ही मस्त, बड़ा ही प्यारा है ना। और हम अपना किचन इस जगह पे बनाने वाले हैं, जो आगे आप लोग जुड़े रहिएगा तभी देख पाइएगा कि मैं कैसा किचन बनाती हूँ। इस ईंटे के जगह पे बनाऊंगी और ये पेड़ कट जाएगा, नीम का और बेल का सब कट के, और एकदम ये मिट्टी है जो यहाँ पे मिट्टी डला हुआ है सब उधर चला जाएगा और काफ़ी प्यारा सा किचन छोटा सा बनाऊंगी क्योंकि चूल्हे पे बनाना अच्छा लगता है मुझे, गांव की हूँ इसीलिए गांव वाली जो भी होता है वो अच्छा लगता है। और उस घर का तो लुक इतना अच्छा लग रहा है मुझे जो मैं बता नहीं सकती, आप लोग भी देख के बताइएगा ज़रूर। देखिए एकदम अभी ही इतना खूबसूरत लग रहा है और बनने के बाद क्या लगेगा, झक्कास लगेगा। चलते हैं फिर अंदर, फिर क्या होता है, बुलबुल की गाड़ी आती है, अगर होगा तो दिखाऊंगी क्योंकि उसमें के बच्चे सब उछलने लगते इसलिए मैं नहीं दिखा पाती। कि मैं सोचती हूँ जो भी काम होता है वो आप लोगों को दिखा ही दूँ और मैंने दिखा दिया, अभी मिट्टी कट रहा है जो आपको दिखाई मैं। और मिट्टी कट जाएगा तो फिर उधर से ईंटा भी हटाना पड़ेगा, वो लोग सोच रहे हैं चाय बना के दे दी तो दे दो ना, तो दे दो ना पहले उनको चाय, अब जाने का टाइम हो गया है तो उनको लोगों को चाय मिल जाए, चाय पी ले तो फिर आगे काम करेंगे। और मैं चाय देने के लिए अब जा रही हूँ, देख सकते हैं, और दोनों आदमी को चाय दे देती हूँ। आई तो मम्मी दे रही है, एक छः और कटा मजबूत। और शाम हो चुका है तो शाम की यहाँ पे अभी पिज्जा मंगाई है तो मैं आप लोगों को जरूर पिज्जा दिखाऊंगी। और इसका बहुत फेवरेट हमारी बेटी का पिज्जा, और कैसा पिज्जा आया है, बहुत लजीज पिज्जा आया है, तो मैं आप लोगों को तुरंत दिखाती हूँ और कैसे हैं आप लोग बताइएगा जरूर। पिज्जा मंगवाया गया जो कुछ चैलेंज में यूज़ हुआ था, मैंने कुछ डिफरेंट नहीं यूज़ किया। वैसे मेरा फेवरेट है पास्ता और पनीर और पिज्जा, मतलब पनीर का फ्लेवर बता रही हूँ। अच्छा अच्छा, और नॉनवेज में तो नॉर्मल चिकन वाला। देखिए इसका पसंदीदा मैं बता दी ना कितना है, और बताइए कैसे हैं आप लोग ज़रूर बताइएगा हमें। और मैं भी अच्छी हूँ और काम चल रहा है अभी थोड़ा बहुत, जो मैं बैक कैमरे से आप लोगों को थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करूँगी ज़रूर। आ गया बुलबुल बाहर, देखो ना निकल बुलबुल
बाहर निकल के देखो। देखिए यही डिलीवरी बॉय है, देख सकते हैं आप लोग। और ये पिज्जा देके जा रहा है, देखे हम लोग बाहर में हैं, देख सकते हैं। बाहर में सर पे कुछ आंचल मुझे रखना पड़ता है, सो उल्टा ही रखा गया। चलिए अंदर चलते हैं, फिर सही करती हूँ और आप लोगों को दिखाती हूँ। एक और पिज्जा आया है, पिज्जा वाला तो दिख ही नहीं रहा। ये पिज्जा लेके आ रही है, पकड़िए। देख सकते हैं पिज्जा आ चुका है हम लोग के पास, और काफ़ी लजीज पिज्जा है। मैं दिखाती हूँ आपको खोल के, और एक शॉर्ट वीडियो भी बनाऊंगी, सो आप ज़रूर देखिएगा ज़रूर। आई लव पिज्ज़ा, और पिज्ज़ा मुझे काफ़ी मुझे तो उतना नहीं पसंद है, पर बुलबुल को काफ़ी अच्छा लगता है। तो वही एकदम से रो रो के मंगवाई है कि मुझे पिज्ज़ा चाहिए, पिज्ज़ा चाहिए। तो मैं बोली चलो कर ही डालो। छुपती नहीं दिल की। और पिज्जा दिखा ही दो खोली तो। देखिए ऐसे तो हम शॉर्ट वीडियो बनाने वाले थे, पर पहले ही खोल दी। देखिए एक बना के और दूंगी, आप लोग देखिएगा जरूर। और काफ़ी प्यारा पिज्ज़ा है और टेस्टी भी है। मिलती हूँ तुरंत। आज का वीडियो बस यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और वेट करिए, वो जल्द ही आएगा, अभी तो हम रेगुलर भी हो गए हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।